नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। G20 समिट और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो बैठक जो है वो मुमकिन हो पाए, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसीज और सूत्रों की माने तो G20 बैठक से पहले, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मई के चौथे महीने में जो बैठक होने जा रही है उससे पहले आतंकवादी पुंछ जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश पूरे तरीके से कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, इन सब एरियाज में जिस तरीके से अभी भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट हैं और लगातार छापेमारी जो है अलग अलग इलाकों में हो रही है, कोटरंका, बुद्दल और ऐसे जितने भी केसरी हिल के आसपास कितने भी जंगल इलाके हैं, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, हमारे डॉग स्क्वाड्स के जरिए लगातार जासूस जो है वो कहीं ना कहीं, जो हमारी NI एजेंसीज की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से इस समय चौकस हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक गाड़ी जो कि हथियारों से लदी हुई है वो इन इलाकों के आसपास घूम रही है। कयास यही लगाया जा रहा है कि उस गाड़ी में जो हथियार हैं कहीं ना कहीं बड़ा कुछ दहलाने की कोशिश इस समय जो हो रही है और कहीं ना कहीं संदिग्धों को देखा भी गया है। आपको बता दें कि राजौरी की भी बात की जाए तो एक महिला द्वारा कहना है कि रात को 2 से 3 संदिग्ध उनके द्वारा देखे गए हैं और उसी से लेकर जो है सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो राजौरी में चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो खबर आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि मई के चौथे सप्ताह में जिस तरीके से G20 समिट होने जा रही है उससे पहले जो है वो कहीं ना कहीं पुंछ जैसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाएगी। आपको बताते चले कि इस समय आतंकी संगठन पुलवामा जैसे बड़े हमले की साजिश में भी है। अब ये कहें कि पुंछ का हमला भी बहुत बड़ा था, जो राजौरी में जो हमला किया गया है आतंकवादी द्वारा उसमें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हुआ है और पुलवामा में जब ये हमला हुआ था तब भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान हुआ था। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये पुलवामा जैसा एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो करना चाहते हैं, नुकसान जो है वो आम जनता को पहुंचाना चाहते हैं। और आपको बता दें कि इसी इनपुट के आधार पर जो इनपुट्स मिल रहे हैं हमारी सुरक्षा एजेंसीज को, जिसमें कश्मीर में कहा जा रहा है कि विस्फोट से भरी हुई एक गाड़ी जो है वो घूम रही है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने के संभव प्रयास जो है वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो लगातार कर रही है। कल भी एक खबर आ रही थी कि अल्पाइन नाम की एक ऐप का इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है ऑफलाइन है और इसके जरिए जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसी के जरिए जो एक दूसरे के साथ उनका संपर्क जो है वो बना हुआ है और इसी के चलते जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले ही आतंकी संगठन खतरनाक साजिशें जो है वो रच रहा है और इससे पहले हमला जो हुआ था उसमें सेना के जो से हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद राजौरी के कंडी जंगलों में जो बनी गुफाएं हैं उसमें भी जो छिपे हुए आतंकी संगठन हैं उनके लिए, उनके चलते भी मुठभेड़ जो है वो सेना की जारी है। और वहीं पर आपको बता दूं कि इसमें IED जब ब्लास्ट हुआ था तो फिर जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग जो थी वो शुरू कर दी थी। कश्मीर घाटी में भी जो मौजूद सुरक्षा बल है उनका कहना है और उनके जो विश्वसनीय सूत्र हैं यानी जो उनके पक्के सूत्र हैं वो बताते हैं कि आतंकी संगठन G20 से पहले पुलवामा जैसे हमले करने की फिराक में है और बड़ा हमला कर भी सकता है। इसकी कड़ी जो है वो विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी जो है वो एक पहेली बनी हुई है, जो कि बताया जा रहा है संदिग्ध गाड़ी है और वो आसपास घूम रही है जिसमें भारी विस्फोट जो है वो भरे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उस गाड़ी की लोकेशन ट्रेस जो है वो हुई है और अगर सुरक्षा बलों ने वहां तक पहुंच नहीं सके तो दूसरी तरफ उस लोकेशन पर भी पहुंचना है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो संगठन है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है और वहीं पर जो अभी नया TRF संगठन जिस तरीके से बना है उनका भी दावा है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों की बात की जाए तो चाल जो है उनकी चाल में वो फंस जाएंगे इस तरीके, जो फंस कर नुकसान जो है वो झेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि सुरक्षा बल उनकी तरफ आने को मजबूर हो जाएं क्योंकि ये जो गाड़ी वो कहा जा रहा है कि लदी हुई है हथियारों से, ये जो पाकिस्तान के संगठन है जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, लश्कर तोयबा की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक जाल बिछाया जा रहा है जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फंस जाएं क्योंकि जो लोकेशंस उनको बार बार दिख रही है जाहिर सी बात है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उस लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो अभी फिलहाल हमारी सिक्योरिटी एजेंसी तो अलर्ट है लेकिन कहीं ना कहीं कदम जो है वो काफी चौकसी में रखने पड़ेंगे। आपको ये भी देखा जाए कि सुरक्षा बलों को चकमा जो है वो भी दिया जा रहा है। पीपलर एंटी प्रेजेंट
जो उनके प्रवक्ता हैं तनवीर अहमद राठर के हवाले से ही हाल ही में कई प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आतंकवादियों ने सोची समझी साजिश के तहत जो है सेना जवानों पर जो है हमला किया था। पुंछ हमला हो या राजौरी का अटैक हो, दोनों ही हमले में सुरक्षा जो बल है उनको चकमा दिया गया था और उनको निशाना बनाया गया था। आतंकियों द्वारा राजौरी के जंगल को भी जो है वो ट्रैप बनाया गया है, वहां पर भी जंगल में छुपने का कारण उनका यही है कि जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज आगे बढ़ेंगे, उनकी तरफ से जो मंशा उनकी है उनको वो कामयाब करेंगे, इस तरीके की चालें उनकी तरफ से बनी है। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन जो TRF है पहुंच के हमले के दौरान भी सरकार की तरफ से जो कुछ बातें थी उन्होंने कहा था कि वो गलत है। प्रेस रिलीज में ये भी कहा गया कि पुंछ के दौरान जो आसमानी जो बिजली थी वो नहीं गिरी थी, मौसम बिल्कुल साफ था। हमले से पहले वीडियो जारी किए जाएंगे, उन्होंने कहा था कि आतंकी संगठन ने यह भी कहा है। दूसरी ओर यह भी कहा है कि सुरक्षा बल और आतंकवादियों की जो तलाश इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, दोनों ही हमले को जो है वो जल्दी ही वो अंजाम देंगे और अभी तक इस बात का कोई भी सुराग जो है वो नहीं लगा है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो चाहता ही नहीं है कि G20 जो समिट है, बैठक है जो, वो कश्मीर में हो, और इसी के चलते जो है लगातार उसकी तरफ से जो प्रयास हैं वो विफल करने के हैं। और आपकी तरफ से आप देख भी रहे हैं कि कितनी बड़ी कोशिशें जो है उनकी की जा रही हैं लगातार। अगला देखा जाए तो लगभग पिछले 100 घंटे से देखा जाए तो 4 से 5 एनकाउंटर जो है उनकी तरफ से इन सबको अंजाम दिया गया है। और गनीमत इसमें ये रही कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काफी ज्यादा दुखद हादसे हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जाने इसमें जा रही है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन राजौरी में भी जारी है क्योंकि वहां पर भी महिला का कहना है कि संदिग्ध जो है देखे गए हैं उसी के बिहाफ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बता दें कि ढांगरी में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके भी आतंकवादियों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। एक आतंकवादी जो है वो जरूर कहा जा रहा था मारा गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनकी तलाश जारी है। क्या कुछ और अपडेट्स रहेंगी दिन भर की वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।